que você quer ser. Vem pra cá fazer a sua jogada. Rei dos dinossauros é o seu destino. Vem pra cá fazer a sua jogada. Com os cartões você vai controlar. Gigantes jurássicos vai comandar. TTTV é o time. Dinossauros pré-históricos não estão mais extintos. Olhe bem a sua volta. Estão lutando e berrando bem atrás da sua porta. Sabe, está presente, é só isso que eu sei. Esses fósseis colossais, só um deles vai ser rei. Rei dos dinossauros é o que você quer ser. Vem pra cá fazer a sua jogada. Rei dos dinossauros é o seu destino. Vem pra cá fazer a sua jogada. Dinossauro Rei. Child's Play. मुझे मालूम है कि ये पुडिंग कुछ ही वक्त के लिए मिलने वाली है, लेकिन ये लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही। ये मैक्स कहाँ गायब हो गया? जुई पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ आने को भी उसी ने कहा था। चलो मैक्स इधर आओ। सॉरी मैं खड़े खड़े बोर हो गया था। अगर तुम्हें पुडिंग चाहिए तो तुम्हें भी हम सब की तरह लाइन में इंतजार करना पड़ेगा। हुक्म, मैं वही करूँगा जो आपका आदेश है माता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मस्ती नहीं करूँगा। तुम चुपचाप एक जगह नहीं खड़े रह सकते? तुमने वो आवाज सुनी जोई? कौन सी आवाज? अभी किसी ने यहाँ डायनासोर कहा। बनो मत मैक्स, याद रखना मैं लाइन में तुम्हारे लिए जगह नहीं रखूंगी और तुम्हारे पुडिंग भी नहीं लूंगी। ओह, डायनो होल्डर पर कुछ दिखाई दे रहा है। और अब वक्त है देश विदेश की खबरों का। इटली से खबर आई है कि वहाँ पीसा के लीनिंग टावर को सीधा कर दिया है एक डायनासोर ने। ताज़ा खबरें बता रही हैं कि वो रोम की ओर गया है। कमाल हो गया, मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। ये इतने खुश क्यों हैं? नया केबल टीवी लगवाया है क्या? इस पर कुकिंग चैनल भी दिखाते होंगे क्या? मैं इसकी नहीं डायनासोर की बात कर रहा हूँ बेवकूफो, ये मेरा ही बनाया हुआ है। आपका बनाया डायनासोर? हाँ, ये पैकिसिफेलोसॉरस मेरी ही खोज है और इसके लिए मैंने जाने कितने साल तक खोज और रिसर्च की थी, तब इसे बना पाया। ये सुपर पावर डायनासोर की खास नस्ल है। एक दिन अचानक मुझे एक पैकिसिफेलोसॉरस का अंडा मिला, मैंने ही उसे हैच करवाया था। जब वो अंडे से बाहर आया, उसने मुझे देखा तो उसकी चमकती आंखों में एक विश्वास था। पहले तो मैंने उसके कार्ड को एक मुंह कार्ड से मिलाया और फिर उसे उसके सिर से फ्यूज कर दिया। वो कामयाब रहा और उसके सिर से जो चौंधिया देने वाली रोशनी निकली वो कमाल की थी। ये तो अच्छी बात है, वो आपको अपना पापा समझता होगा डॉक्टर सी। हाँ, मुझे तो वो बिल्कुल आपके ही खानदान का लग रहा है। मैं उस डायनासोर का पापा हूँ और इस वक्त वो मुझसे रूठा हुआ है, मगर उसे जल्दी लाना होगा वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हम ये काम कर देंगे। पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। क्या कहा आपने, आप कहाँ जा रहे हैं? रोम, मैं तुम्हारे साथ रोम जा रहा हूँ। ये एक पैकिसिफेलोसॉरस है, मगर इसमें कुछ तो अलग लग रहा है। आपने उसका सिर देखा? ओह, उसके सिर से तेज रोशनी निकल रही है। वो पैकिसिफेलोसॉरस अभी कहाँ पर है? अभी अभी रोम पहुँचा है। बढ़िया, चलो चले। अरे मेरी पुडिंग का क्या हुआ? वो बाद में ला देंगे, अभी हम जा रहे हैं डैड। वो तब तक शायद बचेगी ही नहीं, मगर काम ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं, अगली बार मैं वो ले लूंगा। बाय। ज़ैंडर, ये बोट और तेज नहीं चल सकती, मेरा पैकिसिफेलोसॉरस मेरा इंतजार कर रहा है, इसे और तेज चलाओ। अभी चलाता हूँ, मैं इसका सुपर टर्बो बूस्ट बटन दबा देता हूँ। अरे इसकी स्पीड कम करो। मैंने उसे देखा ही नहीं था। उसे देख रहे हो? और कितनी दूर है? चुपचाप चलाते रहो। देखो वो रहा। मगर उसके सिर से इतनी रोशनी कैसे निकल रही है? ये बात तो अजीब है।
हम ये ले लेते हैं। मगर हेलमेट कहाँ है? वो तो भूल ही गए। वो निकल गया, पर ये तबाही उसी ने मचाई है। मुझे अपने नन्हे पैर के सिफालोसॉरस पर नाज है, वो कितना खुखार बन गया है। मेरी मेहनत काम कर गई है। कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या? मैंने सुना था कि इटली के लोग लहसुन के दीवाने होते हैं और वो उसके पानी से नहाते भी है, पर लगता तो नहीं। तुम ये बातें कहाँ से पता लगाती हो? देखा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मेरी खुशबू इन्हें मिल ही गई। वो रहा, ओ मेरा बच्चा, मेरा पैकिसिफेलोसॉरस। लगा जैसे आंखों में सूरज घुस गया हो। मैं बताना भूल गया था, तुम लोगों को भी चश्मा पहनना पड़ेगा। बड़ी जल्दी बताया, देर आए दुरुस्त आए। वैसे आप हम सब के लिए भी चश्मे लाए हैं ना? हाँ, मैं मेरा काम छोड़कर यही सब करता रहता हूँ। छोड़िए, वो डायनासोर कहाँ चला गया? वो वहाँ पर है। अरे नहीं, कहाँ गायब हो गया? पीछा करो। साइकिल इतनी तेज चलाने का कुछ फायदा नहीं हुआ। देखो वो रहा। यकीन नहीं होता कितना तेज भाग रहा है वो। वो अगर तेज है तो हमारा एज भी कम नहीं है। डाइनो स्लैश, डायनोसॉरस हल्ला बोल। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है। इसका मतलब है कि उन पिद्दियों को भी डायनासोर की खबर मिल गई है। चलो लड़ाई के मैदान में। पीछे देखो, एस तुम्हारे पीछे। नहीं एस, वापस आ जाओ। वो सिर्फ तेज ही नहीं है दोस्तों, वो काफी दमदार भी है। चलो चले। ये क्या, लड़ाई का मैदान ही गायब हो गया? शायद उन पिद्दियों ने डायनासोर को पकड़ लिया है। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा बनाया हुआ वो खुकार खतरनाक डायनासोर उन छोटे छोटे पिद्दियों से हार गया है? वो तो मेरे दिल के इतने करीब है कि मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी। ऐसा लगता है कि वो यही खड़ा होकर सांस ले रहा है। वो यही हमारा पीछा। ये है मेरा प्यारा बच्चा, देखो तो मेरा मुन्ना कितना बड़ा हो गया है। मैं वो दिन नहीं भूला जब तुम अंडे में थे। चलो अब मेरे साथ अपने घर चलो, तुम मेरे डायनासोर किंगडम के सेनापति बनोगे। अरे शर्म कैसी, आओ मेरे गले लग जाओ। लगता है ये पापा से मिलकर ज्यादा खुश नहीं है। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार करते ही है। उसके लिए वीडियो गेम खरीद देंगे तो मान जाएगा। वो देखो सन की साइंटिस्ट। तो तुम लोग फिर आ गए, मगर इस बार जा नहीं पाओगे क्योंकि मेरा बहादुर पैकिसिफेलोसॉरस तुम्हारे टुकड़े कर देगा। दिन में सपने नहीं देखते तो मुस्ताफ उसे यहाँ क्या करने आ गए? हाँ, और अपने साथ साथ इस आंटी को भी ले आए। आंटी होगी तुम्हारी चाची। उसे जाने दो, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ जो तुम्हारे फायदे की है। तुमने मेरे यहाँ से जो कार्ड्स चुराए थे वो मुझे लौटा दो, फिर ये मेरा भारी भरकम डायनासोर तुम्हारा कचूमर नहीं बनाएगा। वो वैसे भी हमारा क्या कर लेगा? तुमने उस पैकिसिफेलोसॉरस के साथ क्या किया है? कुछ नहीं, बस डिजाइन बदल दिया है। अब मैं तुम तीनों को खत्म करके अपने प्यारे बच्चे की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे तो ऐसा लगता है उस डायनासोर का स्क्रू ढीला हो गया है। हाँ, तुम्हारा ही भाई लग रहा है मैक्स। वो भी तुम्हारी तरह किसी की भी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। ओके। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैंने तुम्हें बनाया है। मैं इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने पापा को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर रहे हो। इसे तो टैंक और मैं देख लेते हैं। चलो दोस्त, करो हंगामा। जब तक मैं नहीं कहता कोई मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएगा। मेरा कार्ड। मारा हूँ टैंक। क्या कर रहे हैं? अब तो कोई शक नहीं कि वो पागल है। तुम ये क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? तुम वो सब भूल गए जो मैंने तुम्हारे लिए किया था? मुझे भी भूल गए? याद रखना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। डॉक्टर, सामने से हट जाओ आंटी। तुम्हारी ये हिम्मत। हट जाओ आंटी। आंटी हट जाओ। भुक तो आंटी की सजा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मुंह बंद रखो और साइकिल चलाओ। उतर जाओ मेरी साइकिल से। कभी नहीं। अरे नहीं, ये तो अंदर चला गया।
ये सत्य का मुंह है। कहते हैं अगर कुछ छिपाया या झूठ बोला तो ये मुंह हाथ दबोच लेगा। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर ये बातें कभी सच भी होती है क्या? कार्ड निकालने पर हमें पता लग जाएगा। तो डालो हाथ। मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा है, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना एड? अरे मैं क्यों छुपाऊंगा भला, छुपा तो तुम रहे हो झूठे कहीं के। तुम और तेज नहीं चला सकते, जल्दी चलाओ और तेज। चला रहा हूँ आंटी, मगर तुम कितनी भारी हो। मैं रोज हेल्थ क्लब जाती हूँ, तुमसे भी हल्की हूँ। ऐसा कौन सा जिम है जो दिमाग खराब करवाता है? चुप रहो, मैं विलन हूँ और ये मेरा काम है। आपका दिमाग इतना गर्म क्यों है? मेरा दिमाग ठंडा ही है। भूल गए बचपन में तुम मेरे ही गोद में खेलते थे, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? इससे पहले कि वो फेंक दे आप नीचे कूद जाइए। तुमसे किसने पूछा है? ये मेरा बच्चा है, ये अपने पापा को कभी नीचे नहीं फेंक सकता। डॉक्टर जी, मैंने क्या गलती की? ये मुझसे नफरत करता है। आप बुरा मत मानिए, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। क्या तुमने कुछ देखा? उसे शायद तेज रोशनी या चमकने वाली चीजें अट्रैक्ट करती हैं। चलो चलते हैं। अरे रुक जा जरा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? डॉक्टर जी जल्दी से मेरे साइकिल पर बैठ जाइए। आया चोरनी आंटी, आ जाओ जोई। कॉलोसियम, ये जगह मेरे डायनासोर किंगडम के लिए सबसे अच्छी है। वो देखिए। बेटे पता नहीं तुम क्यों भाग रहे हो, पर अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये सब करके तुमसे ज्यादा मुझे ही तकलीफ हो रही है, अब मान जाओ वरना मुझे कुछ और करना पड़ेगा। बंद करो इसे, उसे तकलीफ हो रही है। नहीं करूंगा, इस अल्फा बॉल से ही मेरा बच्चा मुझे पहचानेगा और मेरी बात मानेगा। जाओ बेटे उन्हें खत्म कर दो। ओह ये तो सुन ही नहीं रहा है, अरसल अब तुम ही इसे समझाओ। डॉक्टर जी ने तुम्हारे लिए कितना किया फिर भी तुम उनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी इज्जत करो। लगता है ये बहक गया है, मेरी बात नहीं मानने वाला। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बाहर आओ स्पाइनोसॉर। छोड़ना मत। वो दो डायनासोर से अपने ही बाकी सेफलोसॉरस को मरवा रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए दोस्तों। लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या मेरी मानो तो उस कार्ड को भूल ही जाओ। हाँ एक काम करो, तुम उसे पकड़े रहो, मैं अपना हाथ निकाल लेता हूँ, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को बुला लाऊंगा। अगर झूठ बोला ना तो ये मुंह तुम्हारा हाथ काट खाएगा। क्या हुआ, अचानक तुम्हारा चेहरा नीला क्यों पड़ गया? मतलब तुम मदद के बारे में झूठ बोल रहे थे ना? तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भागना चाहते थे ना? ये सच है, काश पहले बोला होता। मेरा हुक्म ना मानने वाले का यही अंजाम होता है, फिर चाहे वो मेरा अपना ही डायनासोर क्यों ना हो। नेक क्रशर, अब पेरिस वो चॉम को बचा रही थी। जाओ और बाकी सेफेलोसॉरस को बचाओ।
जाना है? मुझे नहीं लगता। फाइनली डेज मैच। अरे नहीं, क्या तुम ये भी भूल गए कि तुम हमारे साथ हो? उसे क्या हो गया है? वो तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। स्पाइनी! तुम ये क्या कर रहे हो? इतना भी नहीं जानते कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि हम सब उसके दुश्मन हैं। मैक्स, डॉक्टर जी की बात ना मानने पर यही अंजाम होता है। डॉक्टर जी, ये लाइट क्या करती है? ये एक सुपर मूव है या कुछ और? आपको ये भी नहीं मालूम? चलो, ये कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सही कहा, पहली बार अकल की बात की है। नेक क्रशर। कोई बात नहीं, अब मैं लेजर रे अटैक करूंगा। इसे तो आपने ही बनाया था ना। जॉन, प्लीज उठ जाओ। हमें चेरी का कार्ड मिल गया। देख रहे हो तुम लोग, मेरे बच्चे को गलती का एहसास हो गया है, वो मेरे पास आ रहा है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आओ पापा के पास आओ, आओ। ये हुई ना बात। कितना अच्छा हुआ, आखिर तुम्हें अपने पापा तो याद आ गए। आ जाओ मेरे बच्चे। उनका खुद का बनाया हुआ डायनासोर भी उन्हें पसंद नहीं करता। हमेशा प्यार में धोखा क्यों मिलता है? और अब ये कहाँ जा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि वो सूरज की ओर जा रहा है। जॉग, जाओ उसे रोक लो दोस्त। उस छलांग से उसकी सारी पावर खत्म हो गई है। वो कार्ड ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, उस कार्ड को हाथ भी मत लगाना। उसे छोड़ो और तुम जाओ सैर पर। ये तुमने गलत किया। बात ये नहीं है कि हम कैसे खेलते हैं, बात यह है कि जीत किसकी होती है। ये देखो, ये डायनासोर कार्ड अब हमारा है। अरे वाह, लगता है लड़ाई खत्म हो गई है। और अगर हम नहीं गए तो हम भी यही खत्म हो जाएंगे। एक, दो, तीन। अरे वाह, मेरा हाथ तो बचा हुआ है। ये। लेकिन वो कार्ड कहाँ गया? वो तो अंदर ही रह गया। अरे वाह, कार्ड हाथ लग गया। लेकिन हमारे हाथ फिर से फंस गए। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे पहले भी झूठ बोला था। मगर मैंने मान लिया था, इसलिए झूठ भी सच हो गया था। अरे अगर इतनी सच्चाई है तो फिर अपना हाथ बाहर खींचो ना। उसके सिर से निकलने वाली रोशनी कमाल की थी ना। हाँ, कार्ड पर तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन लड़ते वक्त हमारी हालत खराब कर दी थी। शायद रोशनी की वजह से वो इतना गुस्से वाला है। उसके ऊपर शायद किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक डायनासोर कार्ड को मूव कार्ड से मिलाया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए मुझे और एनालिसिस करना पड़ेगा। डायनासोर पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना अजीब है ना। हाँ, पूरी की पूरी अल्फा गैंग पागल है। डैड, आप क्या कर रहे हैं? ये काम ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी ही नहीं, बहुत मजेदार भी है। मुझे पुडिंग का आखिरी कप मिल गया। ये लोग हमारी पुडिंग खाने लायक ही नहीं। हमेशा ऐसा क्यों करते हैं?
क्योंकि बेटा भी पापा पर ही गया है। पेरिस, मेरे लिए भी बचा लेना। Um dinossauro rei é o que você quer ser. Vem pra cá fazer a sua jogada. Rei dos dinossauros é o seu destino. Vem pra cá fazer a sua jogada. O passado está presente, é só isso que eu sei. Esses fósseis colossais, só um deles vai ser rei. O rei dos dinossauros é o que você quer ser. Vem pra cá fazer a sua jogada.